प्रकार से शिवसेना ने दशहरे के आयोजन में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने केवल और केवल कीचड़ उछालने की कोशिश की है, इससे उनका फ्रस्ट्रेशन ये बिल्कुल नजर आता है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, अगर वो भूल गए तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं नकारा, जनता ने कांग्रेस एनसीपी को नकारा और शिवसेना को केवल पासिंग मार्क्स दिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी जितनी सीटें हैं उनमें से तकरीबन 70% सीटों पर विजय हुई, शिवसेना मात्र 45% सीटों पर विजय हुई और बाकी पार्टियां ये फेल हुई। लेकिन जनता के साथ बेईमानी करके आपने ये सरकार तैयार की और इसलिए ये सरकार बेईमानी से तैयार हुई सरकार है। और मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं, अब 2 साल हो गए, आप कितने दिन ये कहते रहोगे कि मैं तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था? अब मुखौटा उतार दीजिए और मान्य कर लीजिए, आपकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की थी, वो आपने पूरी की। राजनीति में महत्वाकांक्षा पूरा करना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन उसके पीछे झूठा तत्वज्ञान खड़ा करना ये बात गलत होती है। अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे और आप शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे तो आपके पास रावते जी थे, देसाई जी थे, शिंदे जी थे, आपने उनको क्यों नहीं बनाया? अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे तो राणे जी को पार्टी से बाहर क्यों जाना पड़ा? राणे जी तो पार्टी के ऊपर कोई कब्जा नहीं मांगते थे, वो तो मुख्यमंत्री पद मांगते थे, राज ठाकरे को क्यों बाहर जाना पड़ा? इसलिए मुझे ये लगता है कि ये सारी बातें अब बोलना बंद कर देना चाहिए। आज जिस प्रकार से उनका वक्तव्य सामने आया कि महाराष्ट्र को वो बंगाल बनाना चाहते, मतलब क्या करना चाहते? अब महाराष्ट्र में राजनीतिक हत्याएं करना चाहते? अब सरकार के खिलाफ बोलने वालों को सूली पर लटकाना चाहते, उनके हाथ पर तोड़ना चाहते? जब तक भारतीय जनता पार्टी जिंदा है तब तक चाहे जो हो जाए महाराष्ट्र को बंगाल नहीं बनने देंगे। महाराष्ट्र महाराष्ट्र रहेगा और इसको कोई भी बंगाल नहीं बना पाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने संघ राज्य व्यवस्था के ऊपर बात कही, बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान को बदलने का मानस उनके माध्यम से झलक रहा था। और यह संविधान कोई बदल नहीं सकता और हम उनको बदलने भी नहीं देंगे, ये चेतावनी मैं उनको देता हूं। ईडी और सीबीआई की बात उन्होंने कही है, ईडी और सीबीआई इसलिए आई क्योंकि आपके लोगों ने चोरी की, भ्रष्टाचार किया, जनता को लूटा और ये देश के न्यायालय ने लाई हुई है। ये सीबीआई की इंक्वायरी सरकार ने नहीं की, देश के न्यायालय ने क्यों इंक्वायरी है? एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के मुखिया के रूप में उनको तो इस बात पर विचार करना चाहिए और चिंता करनी चाहिए कि आईटी की रेड्स में जिस प्रकार की दलाली महाराष्ट्र में मिली है, शायद महाराष्ट्र के इतिहास के सबसे भ्रष्ट सरकार के मुखिया के रूप में उनका नाम दर्ज होगा। इतना भ्रष्टाचार इससे पहले महाराष्ट्र में कभी भी नहीं देखा गया और यह सीबीआई रेड से सामने आ रहा है। और इसके ऊपर चिंता करने की जगह आप किसको बचाना चाहते हो? एनसीबी के बारे में जब वो बोलते हैं और ड्रग्स के ऊपर बोलते हैं तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आज ड्रग्स एक ऐसा कैंसर है जो हमारे युवाओं को एक प्रकार से ग्रसित कर रहा है। आप ड्रग्स बेचने वालों के साइड से हो, ड्रग्स कंज्यूम करने वाले साइड से हो, या ड्रग्स को जो लोग नष्ट करना चाहते उसके साइड से हो, इसका फैसला एक बार वो कर ले। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी केंद्र की सरकार कभी भी एजेंसीज का दुरुपयोग नहीं करती। एजेंसीज का दुरुपयोग इससे पहले होता था, प्रधानमंत्री जी कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं होने देते। अगर इसका दुरुपयोग होता
तो आपका आधा मंत्रिमंडल जेल में होता, ये आप समझ लीजिए। लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं और प्रधानमंत्री जी ये एथिकल पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए कभी भी इस प्रकार की एजेंसीज को उसका गैर इस्तेमाल ये प्रधानमंत्री जी के माध्यम से नहीं होता है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।